Hello everyone, welcome to this channel, and in this video I'll explain you chapter number 8, study of compound hydrogen chloride. Hydrogen chloride ko samjhenge is video mein. Okay, class 10th ICSE chapter number 8 kar rahe hain. Okay, so detail mein samajhte hain is chapter. Okay, aur important part main aapko bataunga aapke board examination ke liye. So now hydrogen chloride ko sabse pehle dekhe to ye ek hydrogen aur chlorine dono hi non metal hai. ओके और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. मॉलिकुलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लोरीन का 35.5 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है. तो दिस विल गिव अस मॉलिकुलर मास 36.5. कोवेलेंट बॉन्ड है. ये कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. हाइड्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस से डिनोट किया है. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा इसका. ठीक है, तो डिटेल में देखते हैं और चीज़ें. मैं इंपॉर्टेंट बात मैं पढ़ाऊंगा तो सब आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो आपको बताऊंगा. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है पहले वो बता देता हूँ. चलो, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रिपरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड्स में. ओके, एंड प्रिपरेशन डिटेल में देखना है, प्रिपरेशन की कंडीशंस, उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स है प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड क्यों यूज़ करते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, इसमें इसके बाद ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, क्विक लाइम यूज़ क्यों नहीं करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी. इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि प्रिकॉशंस क्या रखनी है, आइडेंटिफिकेशन कैसा है हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का. ठीक है, इसके बाद प्रिकॉशन कि हमें कौन से केमिकल, जैसे कि हम जब सोडियम सल्फेट यूज़ करते हैं, सॉरी नॉट सोडियम सल्फेट, जो फॉर्म होगा टेम्परेचर कितना रखना है, वो उसके बाद भी करेंगे. ओके, और क्यों करते हैं, 200 डिग्री से कम क्यों करते हैं. ठीक है, वो सारे पॉइंट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. ओके, और डेंसिटी के बारे में बात है कि डेंसर होती है एयर से, तो ये इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा यहाँ पर. फिर सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल होता है ये, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर. फिर हम किस तरह से हम इसको हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में ऐड करके, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर तरीके से करते हैं, इन्वर्टेड फनल की हेल्प से क्यों करते हैं, इस पूरे मैकेनिज्म को आपको समझना है. और फिर प्रॉपर्टीज है, जो आपने एसिड चैप्टर में भी पढ़ा था, एसिड चैप्टर में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो HCl हमें पता है एक एसिड है, तो वही प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर भी देखनी है कि मेटल से रिएक्ट करने पर क्या होगा, मेटल कार्बन से रिएक्ट करने पर क्या होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है. फिर यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ठीक है, तो HCl जब लेड मेटल नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा. ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो एक एक्वा रिजिया है, जो कि HCl और सल्फ्यूरिक HCl और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है. ओके, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग, इसमें इवन गोल्ड और प्लेटिनम भी डिजॉल्व हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. यूजेस भी देख लेंगे इसमें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़नी है इस चैप्टर में, मैंने इंपॉर्टेंट आप चीज़ें बता दी. अब डिटेल में चलो स्टडी करते हैं. तो ग्लोबर प्रिपेयर द एसिड इन 1648 बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. लेवाज़ियर नेम्ड इट न्यूट्रेटिक एसिड. ठीक है, तो ये जो ग्लोबर साइंटिस्ट है, इन्होंने जब क्या किया, इन्होंने जब NaCl को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हीट किया, तब हमें ये जो गैस ऑप्टेन हुई, ओके, एसिड ऑप्टेन हुआ, उसको म्यूरेटिक एसिड भी नाम दिया उन्होंने. तो ये प्रिपरेशन में भी हमारे जो प्रिपरेशन करनी है, बेसिकली क्या देंगे हम, रिएक्टेंट्स NaCl लेंगे. NaCl क्यों लेंगे, क्योंकि बिकॉज दिस इज चीप, NaCl चीप है इसलिए यूज़ करेंगे. सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे. क्यों लेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल. ठीक है, ये वेपराइज नहीं होगा रूम टेम्परेचर. ओके, तो इसको लेंगे हम. ठीक है, और वो लेने का भी पर्पस इसलिए है क्योंकि इसके फ्यूम्स जो है, क्योंकि ये वेपराइज नहीं होगा तो उसके फ्यूम भी नहीं बनेंगे, वेपर्स नहीं बनेंगे, तो हमें बस HCl के फ्यूम्स ही ऑप्टेन होंगे. एक क्वेश्चन यहाँ भी है कि हम नाइट्रिक एसिड को क्यों यूज़ नहीं करते, बिकॉज नाइट्रिक एसिड वोलेटाइल है रूम टेम्परेचर में, तो जब HCl प्रिपेयर हो जाएगा तो उसके साथ ये दोनों फ्यूम्स मिक्सअप हो जाएंगे और हमें HCl गैस, सिर्फ HCl गैस नहीं ऑप्टेन होगी. ओके,
आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। जो हाइड्रोजन गोले गैस अकेयर्स इन फ्री स्टेट इन वॉल्केनिक एमिशन में भी एमिट होता है, और ये गैस्ट्रिक जूसेज में SCL हमें पता है इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, कि मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बट हमें पता है कि गैस्ट्रिक जूसेज में हमारे पायो में अपने पड़ा ये SCL एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है, बैक्टीरिया किल करता है, पेप्सिन को पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करता है, डाइजेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके तो पहला प्रिपरेशन देखते हैं, इसका प्रिपरेशन की बात करते हैं, जनरल प्रिपरेशन की सिंथेसिस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को। तो मॉइस हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूजन लाइट, तो मॉइस हाइड्रोजन क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में, डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में, हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, डिफ्यूज सनलाइट पर रखेंगे ठीक है, तब कंबाइन होकर हाइड्रोजन और मॉइस्ट हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या हमें दे देगा, विल ऑब्टेन हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ठीक है। और एक्सप्लोजिव है डायरेक्ट सनलाइट में ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे रखेंगे इसको, और डार्क में तो होगा ही नहीं रिएक्शन ठीक है, तो डिफ्यूज सनलाइट में रखेंगे ठीक है। इंटेंसिटी कम कर देंगे हम सनलाइट की ठीक है, मे बी थ्रू ग्लास और अदर थिंग, वी विल मेक द सनलाइट इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट लेस। ओके नाउ हाउ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट सच एज एक्टिवेटेड चारकोल, कैटलिस्ट आपको पता है एक कोई भी केमिकल जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देगा ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल जनरली हम बात जो कैटलिस्ट की करते हैं वो रिएक्शन को फास्ट करने वाला केमिकल की बात करते हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल लिया तो ये रिएक्शन डार्क में भी हो सकती है जो कि नहीं हो रही थी, कैटलिस्ट से हो जाएगी ओके, तो रिएक्टिविटी बढ़ा देगा कार्बन एब्जॉर्ब हाइड्रोजन जिससे रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बर्निंग जेट्स ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो बर्न इन क्लोरीन फॉर्मिंग हाइड्रोजन क्लोराइड ठीक है, जेट में भी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बर्न होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। अब लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट, यहाँ रिएक्शन दे रखी है देखो, इसे लैब प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे, कि मैंने बताया इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना NaCl जो मेटल क्लोराइड है ठीक है, सल्फ्यूरिक गैस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूर नॉन वोलेटाइल अगेन लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट NaCl ठीक है। यहाँ देखो इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर ठीक है, जस्ट अ सेकेंड ओके, तो देखो जब NaCl का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 से कंसनट्रेटेड ऑब्वियसली, तो क्या होगा देखो किस तरह से ब्रेकडाउन होगा, जब लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस में ना, तो H2SO4 ऐसे आयनाइज होगा, इट विल बी H+ एंड HSO4 नेगेटिव, और NaCl कैसे ब्रेकअप होगा, इसका आयनाइजेशन ऐसे होगा Na+ नेगेटिव, तो Na पार्ट जाएगा HSO4 के साथ, तो बनेगा यहाँ पर क्या NaHSO4 ओके, ये सॉल्ट बन जाएगा और H के साथ Cl चला गया, तो HCl गैस इवॉल्व होगी ठीक है। लेकिन अगर ये कब है, जब टेम्परेचर 200 डिग्री से कम है, लेस देन 200 डिग्री से, ये याद रखना है प्रोडक्ट सॉल्ट क्या बनेगा, जब NaCl रिएक्ट करेगा HCl के साथ लेकिन टेम्परेचर हमने कर दिया 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तब NaCl तो वैसे ही ब्रेक डाउन होगा ठीक है, आयनाइज ऐसे होगा, बट HCl नॉट HCl, दिस इज H2SO4 वी आर टेकिंग हियर, इट विल बी आयनाइज लाइक दिस, दिस विल बी H पार्ट विल बी आयनाइज एंड सल्फेट पार्ट विल बी आयनाइज ओके सेपरेटली, सो एंड दिस विल बी 2H+ एंड दिस इज हाउ इट विल बी आयनाइज। नाउ Na गोज विद द सल्फेट पार्ट एंड H गोज विद द Cl पार्ट, वॉट वी ऑब्टेन इज HCl ओके, फर्स्ट राइट द सॉल्ट दैट इज द Na सल्फेट वैलेंस इज 2, सो दिस विल बी Na2SO4 प्लस Cl, HCl गैस विल बी ऑब्टेन ओके। सो ये डिफरेंस है इन दोनों में, सोडियम सल्फेट बनेगा इसमें, सोडियम बाई सल्फेट बनेगा लेस देन 200, इसको हम कॉपर क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं CuCl2 एंड दिस विल गिव अगेन गिव अस द गैस विल बी सेम एंड दिस विल बी HCl एंड अगेन द सॉल्ट विल बट द सॉल्ट विल बी कॉपर सल्फेट ओके, तो ये ऑप्टेन हो जाएगा। लैब प्रिपरेशन में हम NaCl यूज़ करेंगे बिकॉज अगेन मैंने बताया था अभी आगे देखना अभी है, बिकॉज दिस इज चीप ठीक है, तो हीट करने पे ये बना गैस ऑब्टेन हुई, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में बढ़ जाते हैं अब ठीक है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में अगर हम बात करें तो ठीक है, ये अरेंजमेंट देख सकते हो क्या अरेंजमेंट है यहाँ, तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक फ्लास्क लिया है ठीक है, एंड इन दिस फ्लास्क व्हाट वी हैव टेकन
दिस इज़ फ्लैट बॉटम फ्लॉस मेंशन भी किया है, वो तो जब लैब में आप देखोगे तब ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका. एंड वी हैव टेकन सोडियम क्लोराइड इन दिस फ्लास्क एंड वी हैव पोर कंसनट्रेटेड वी विल पोर कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड दिस इज बीन पुट एंड पुट सील्ड अप बाय द कॉर्क एंड देयर इज अ होल इन द कॉर्क दैट इज फॉर द डिलीवरी ट्यूब. डिलीवरी ट्यूब कहाँ जाएगी? ये जाएगी कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के एक और कंटेनर में. विच इज़ द ड्राइंग एजेंट हियर? देखो जब इसमें जो HCl गैस रिलीज होगी ना, ये मॉइस्ट फॉर्म में होगी, हमें ड्राई चाहिए, तो ये क्या कर देगा? ड्राई कर देगा उसको, ठीक है. एंड अगेन देन विल ऑप्टेन दिस इन द दिस कंटेनर एंड बिकॉज दिस इज हैवियर डेंसर देन द एयर, इट इज़ 1.28 टाइम डेंसर देन द एयर. सो क्या कर देगा? ये एयर को ऊपर पुश कर देगा, ठीक है. डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से मिलेगा या फिर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हमें ऑप्टेन होगा HCl. अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर को ऊपर पुश कर देगा या डाउनवर्ड, अब खुद के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट तक. तो ये पूरा मैंने बता दिया है आपको, रिएक्शन मैंने बता दिया आपको, तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है. रिएक्शन अबव और बिलो वाली ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ठीक है. अब देखो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ, जैसे सोडियम क्लोराइड चीप होता है इसलिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है. अदर मेटल क्लोराइड को से प्रेफर करेंगे. नाइट्रिक एसिड को यूज़ करेंगे प्रिपरेशन में, क्योंकि नहीं करेंगे सॉरी क्या करेंगे यूज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे बिकॉज वो नॉन वोलेटाइल है. नॉन वोलेटाइल मतलब रूम टेम्परेचर में उसके वेपर से नहीं बनेंगे, ठीक है, वेपराइज नहीं होगा वो, ठीक है. तो अगर नाइट्रिक एसिड यूज़ करते तो वोलेटाइल हो जाएगा, और वोलेटाइल है तो गैस बन जाएगा एंड वेपर बन जाएगा और तो मिक्स हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा हमें तो HCl ऑप्टेन करना था. नाइट्रिक एसिड भी उसमें ऑप्टेन हो जाएगा, ठीक है. ड्राइंग एजेंट का यूज़ प्योरीफिकेशन के लिए, ड्राई करने के लिए उसको क्या यूज़ करता है ड्राइंग एजेंट? तो हम करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज, जैसे मैंने बताया. तो आप बोलोगे कि CaO क्यों यूज़ कर सकते हैं या फिर पेंटाऑक्साइड क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, बोर्ड में पूछा जा चुका है. Because they both react with HCl. They both react with HCl. जो HCl obtain होगा उससे react कर जाएंगे. P2O5 phosphorus pentoxide react करेगा HCl के साथ and it will form POCl3 and HPO3. तो reaction हो जाएगी इनमें, और हमें तो HCl obtain करना था, ठीक है. कुछ और ही product हमें obtain हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको use नहीं करेंगे. CaO plus HCl. अगेन देखो CaO, CaO क्या है? मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड इज व्हाट? एसिडिक और बेसिक इन नेचर. दिस इज बेसिक इन नेचर. तो बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दिस इज फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट यू स्टडीड, ठीक है. तो यहाँ से हमें सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो गए, ठीक है. दिस इज वाटर फॉर्म एंड CaO विल एड अप विद दिस आयन CaCl2 क्लोरीन आयन एंड विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड. सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो गए, तो दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे HCl के साथ. एंड जो हमें प्रोडक्ट चाहिए दैट इज HCl, वी विल नॉट गेट दैट, ओके. दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज दिस टू एज ड्राइंग एजेंट्स. कलेक्शन की बात करें तो डाउनवर्ड डिलीवरी से ऑप्टेन करेंगे, मैंने अभी बताया था, क्योंकि हैवियर होता ही है. वाटर गिवर कलेक्ट नहीं करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इट इज सॉल्यूबल इन वाटर. वाटर में सॉल्यूबल है, तो कैसे हम ऑप्टेन करेंगे वाटर में, ठीक है. जो सॉल्यूबल नहीं होंगे उन्हें ही ऑप्टेन करते हैं बस. आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? देखो अगर क्या कर देते हैं, व्हेन द जार इज कम्प्लीटली फिल्ड विद हाइड्रोजन क्लोराइड फ्यूम्स अपीयर अबाउट द जार माउथ. तो जैसे आप उसके जार को ओपन कर देते हैं तो फ्यूम्स ऑप्टेन दिखने लगते हैं हमें, वाइट फ्यूम्स. एयर में एक्सपोज कर दें तो वाइट फ्यूम दिखने लगते हैं, ठीक है. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन डिजॉल्विंग इन एटमोस्फेरिक वाटर. वाटर वेपर के साथ वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करने लगता है, ठीक है. एक और जो इंपॉर्टेंट लैब में करते हैं वो ये टेस्ट है. क्या कर दें? देखो हम एक ड्रॉट लेके जाएंगे जो डिप करेंगे हम गैस जार, जिसमें भी हमारा ये जिस जार में हमारा HCl है उसमें हम एक रॉड डिप करेंगे जो कि इसमें होगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में. अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिस इज अगेन अ बेस, ओके. हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ओके. एंड यू नो एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, ओके. तो जैसे इसके ऊपर लेके जाएंगे हम ग्लास रॉड को, तो उसमें से डेंस वाइट फ्यूम अपेयर होने लगेगी, जो कि क्या होती है? ये होती है अमोनियम क्लोराइड, ओके. द डेंस वाइट फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस प्रोवाइड
प्रूविंग देयर वाई द गैस इज फुल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन है किसका, HCl का। तो हमने दो बताया कि उसके जार के ऊपर वो जब एटमोस्फेरिक एयर से रिएक्ट वाटर में रिएक्ट करती है तो उसके वाइट फ्यूम दिखने लगते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अगर ग्लास रॉड ड्रिप करा हुआ, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रिप करा हुआ हम लेके जाते हैं इसके जार के माउथ के पास, तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा जो डेंस वाइट फ्यूम होगा, जो आइडेंटिफाई करा देगा हमें कि यह HCl गैस है इसके जार के अंदर। प्रिकॉशन मैंने बताया था, देखो इंपॉर्टेंट क्या है प्रिकॉशन, लोअर एंड ऑफ थिसल फनल मस्ट बी डिप इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, हमें डिप करना है इस फनल को यहाँ पर, ओके ओके। इसके बाद डिलीवरी ट्यूब को भी डिप करना है ड्राइंग एजेंट में, ठीक है, ड्राइंग एजेंट में डिलीवरी ट्यूब को यहाँ पर हमें डिप करना है, ओके। और टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है 200 डिग्री सेल्सियस से के अबाउट, ओके। हाई टेम्परेचर में क्या होगा इसके बारे में बात करिए, हाई टेम्परेचर में ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 200 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है HCl मतलब ये कंटेनर का जिसमें हम हीट कर रहे हैं, तो तीन चीज़ें हो सकती है, ग्लास क्रैक हो सकता है, फ्यूल वेस्ट होगा, और सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा, रिएक्शन में हमने देखा था अभी, और सोडियम सल्फेट स्टिक हो जाता है, हार्ड क्रस्ट स्टिक हो जाता है ग्लास में, डिफिकल्ट टू रिमूव। इन्हीं वजह से हम क्या करेंगे, 200 डिग्री से कम रखेंगे टेम्परेचर को, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नियर अबाउट उतना रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कलर कलरलेस है, पंजेंट है, चौकिंग है, ठीक है, जो थोड़ा को क्या होगा एक चौक, पंजेंट का मतलब जो जो क्या होगा एकदम से नाक में चढ़ेगी, है ना, ठीक है, जैसे क्लोरीन की स्मेल होती है, चौक हो जाएगा, चौकिंग स्मेल होगी इसकी, ठीक है, गले में फील होगा, इसमें सार होगा, ऑब्वियसली एसिड है तो सार होगा, ठीक है, बट टेस्ट करने की हिम्मत किस में, ठीक है, तो मे बी डाइल्यूट एसिड को, जो बहुत बहुत डाइल्यूट होगा उसको किसी ने टेस्ट किया होगा, ठीक है, बट हम कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं जितने भी एसिड है वो सारे सार होते हैं, ओके। फिजियोलॉजिकल नेचर, कोरोसिव नेचर का है, नोज को इरीटेट करता है और लंग्स को इरीटेट करता है, थोड़ा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट आ गया यहाँ पर इसमें, ठीक है। डेंसिटी की मैंने बात करी है, इसकी डेंसिटी इज अबाउट 1.25 टाइम्स हैवियर देन एयर, एयर से इतना टाइम्स हैवियर है, और इसकी जो वेपर डेंसिटी वो 18.25 एंड डेट ऑफ एयर इज 14. कहने का मतलब ये डेंसर है एयर से, इतने टाइम से ये ध्यान रखना, ये वेपर डेंसिटी सिल्की इतनी है और एयर की 14.4 है। बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट -113 डिग्री सेल्सियस। लिक्विफिकेशन सॉलिफिकेशन, जब हाई प्रेशर 14 एटमॉस्फेयर में लो टेम्परेचर में इसको रखेंगे तो ये कलरलेस लिक्विड में लिक्विफाई हो जाएगा, HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सॉल्युबिलिटी, वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ठीक है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, आपको पता ना कोवेलेंट कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर में क्या होगा, जिसमें पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है, सॉल्युबल है ऑर्गेनिक, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमें पता है जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, जैसे एसीटोन और टॉलिन में, ओके। फिर एक्सपेरिमेंट दिया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए HCl हैवियर एयर से, तो क्या किया इसमें, देखो एक फ्लास्क के अंदर, एक जार के अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब को, एक कैंडल को बर्न किया है, और कैंडल को बर्न करने के बाद HCl गैस जिसमें एक जार में जिसमें हमने प्रोड्यूस कराई है उसको लेके आया, उसको इन्वर्ट कर दिया जार में, क्या देखते हैं, जो जो कैंडल है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, बिकॉज जो HCl है ना ये कंबस्टेबल है, ना ये जलता है खुद, और ना ये कंबशन को सपोर्ट करता है, तो ये हैवियर है। अगर ये हैवी नहीं होता तो एयर वहीं रहती है, ये ऊपर ऊपर रहता है, बट क्योंकि ये हैवियर है इसलिए नीचे आ जाएगा, एयर को यहाँ से पुश कर देगा, बाहर डिस्प्लेस कर देगा और कैंडल को एक्सटिंग्विश करा देगा। साइज सॉल्युबिलिटी की बात मैंने, ये इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, ठीक है। देखो क्या करेंगे इसमें, तो हम इस तरह से अरेंजमेंट लेंगे, स्टैंड ले लिया हमने यहाँ, ठीक है, और ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क को इन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पर एक ड्रॉपर ले लिया है, और इसको फिर जेट की हेल्प से, जेट ट्यूब की हेल्प से यहाँ पर हम डिप कर दिया ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में। लिटमस हमें पता है, ब्लू लिटमस एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो जब हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की हेल्प से इसको पुश करेंगे तो वाटर इसमें से आ जाएगा, इसमें वाटर आ जाएगा ड्रॉपर की हेल्प से। अब देखो क्योंकि जो HCl है वो बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है
बॉटम में, तो डिजोल्व हो जाए, सॉल्यूबल हो जाएगी, सॉल्यूबल होने की वजह से ठीक है, देखो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। कैसे प्रेशर कम? देखो पहले जो गैस होती है ना वो क्या करती है, कंटेनर पे प्रेशर एग्जर्ट करती है। बिकॉज हम एज काइनेटिक थ्योरी से देखें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स से बनी है ना, और वो टेंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये जार पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अब कुछ गैस तो क्या हो गई, कुछ गैस एब्जॉर्ब हो गई वाटर में, तो अब नंबर ऑफ जो स्ट्राइक कर रहे थे मॉलिक्यूल वो कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ गैस तो एब्जॉर्ब हो गई ना वाटर में, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ का प्रेशर कम हुआ लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही है, तो वो क्या करेगा, प्रेशर कम, जैसे ये कुछ वैसे ही हो गया जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ के हाथ से ड्रिंक करते हो वैसे ठीक है। तो जो आप एयर को सक करते हो तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, वैसे ही कुछ यहाँ होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको ऊपर पुश कराएगा और इसमें से ऊपर धीरे चढ़ने लगेगा। यहाँ पर जेट ट्यूब है, इसमें से बहुत छोटी ओपनिंग है, तो ये फाउंटेन के फॉर्म में आ जाएगा और ये रेड कलर का फाउंटेन बनेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस रेड। तो इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि सॉल्यूबल है, सॉल्यूबिलिटी है, एसिड सॉल्यूबल है वाटर में ठीक है, ब्लू लिटमस, ये आपको समझ में आ गया हो। कंबस्टिबिलिटी मैंने बताया अभी, ना बर्न होगा ना ये सपोर्ट करेगा कंबशन का ठीक है। बर्निंग स्प्रिंग को क्या कर देगा, ये बर्निंग स्प्रिंग को बुझा देगा है ना। ये क्या हुआ यहाँ पर अभी, ब्राइटनेस जस्ट ओके, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर थर्मल डिसोसिएशन, HCl अगर 500 डिग्री के अबाव इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में डिसोसिएट हो जाएगा। मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, आपको पता है ना, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल के साथ हाइड्रोजन क्लोराइन गैस, मेटल क्या होता है, देखो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी आपको ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, के एन ए केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, नीचे भी कुछ एक्रोनिम बट मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉपर ए जी ए यू। तो आप देख रहे हो कि जो एन ए है ये एस से एच क्यू लिया रिएक्टिविटी सीरीज में, बिकॉज ये भी पॉजिटिव आयन बनाता है ओके, भले ही नॉन मेटल है, तो एन ए को सुपर है तो डिस्प्लेस कर देगा एन ए इसको, और एन ए सी एल और हाइड्रोजन बन जाएगा, ऐसे सारे मेटल के साथ रिएक्शन है ठीक है। रिएक्शन आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तब आपको याद होने लगेगी ठीक है ओके। अमोनिया गैस रिएक्शन हमने देखा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखा, तो अमोनिया के साथ भी सिमिलर है ठीक है, अमोनिया ठीक है, अमोनिया और SnH3+HCl रिएक्ट करके NH4Cl बनेगा, एक सॉलिड फॉर्म करेगा, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है इसमें ओके। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, टेस्ट अमोनिया का टेस्ट के लिए भी, अमोनिया को भी क्या करेंगे, जब अमोनिया गैस को HCl के ड्रॉड में डिप करेंगे उसके जार में, जहाँ अमोनिया अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसको, तो ये बन जाएगा वाइट फ्यूम बन जाएगी, जो उसका टेस्ट होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड की बात करें तो कैसे फॉर्म होता है, वाटर में जब डिसॉल्व कर देंगे तब फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है, और HCl को जब वाटर में फिर हम डिसॉल्व करेंगे, बिकॉज तो हमें पता है जो एसिड्स होते हैं आयरन थ्योरी के अकॉर्डिंग दे विल फॉर्म H+ आयन, और वाटर के साथ कंबाइन होकर बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन H3+ आयन ठीक है। इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ें देखते हैं, ट्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड डज नॉट प्रोड्यूस H+ आयन, तो ट्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनाएगा, मॉइस्ट ही बनाएगा ठीक है, क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें H+ आयन्स नहीं होते। तो मतलब ये क्वेश्चन आता है कि रेड लिटमस को ब्लू लिटमस, सॉरी ब्लू को रेड लिटमस में क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंज कर देगी, तो आंसर है नहीं करेगी, बिकॉज उसमें H+ आयन्स नहीं होते। लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ड्राई HCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें है ना ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे ठीक है, ड्राई HCl ओके, तो ये क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज इसमें आयन्स एबसेंट है ओके, कोवेलेंट नेचर शो हो रहा है, हमें पता ना आयनिक कंपाउंड करते हैं ठीक है, इसलिए और कोवेलेंट कंपाउंड नहीं करते बिकॉज आयन्स नहीं है इसमें ओके। द गैस इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन टॉलिन, टॉलिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, हमें पता है जो कोवेलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्यूबल होते हैं
But in that case, it neither turns blue litmus red nor conduct electricity. ठीक है, तो वही मैंने बताया, वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होंगे लेकिन ब्लू लिटमस फिर नहीं करेंगे. अभी हमने समझाया था क्यों नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि H प्लस आयंस इसमें तो H प्लस आयन डिजॉल्व डिसोशिएट नहीं होगी. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करें, आयन नहीं होंगे. दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ एच थ्री ओ प्लस आयन इन टोलिन. तो टोलिन में एच थ्री ओ प्लस आयन नहीं बनेगा. ठीक है, ओके, देयर बाय दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ वॉट कोवेलेंट कंपाउंड. ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड है ये, इससे शो हो जाएगा वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, जनरली जो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ये सॉरी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने बात की थी. ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्ट में नहीं हो जाते. सही, मैंने ये बात बीच में कह दी है. ठीक है, तो इसमें हमने HCl दोनों में डिजॉल्व है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी और वाटर में डिजॉल्व है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में बस आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा, वाटर में करेगा. ठीक है, ओके, इसके बाद लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करें तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट. देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक थोड़ा अलग चीज़ कर देते हैं ना. जब ये फनल को ना इन्वर्टेड करके जो HCl गैस फॉर्म हो रही है ना, जब डिजॉल्व हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं तो इन्वर्टेड करके रखते हैं. इन्वर्टेड करते क्यों रखते हैं, देखो यहाँ बिल्कुल जस्ट टच कराएंगे इसको, और जब हम टच कराएंगे तो क्या होगा, HCl गैस ये वाटर अब क्या हो जाएगा, HCl वाटर के साथ रिएक्ट सॉल्युबल हो जाएगा. सॉल्युबल हो जाएगा तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा. हमने जब ये देखा था तो वाटर ऊपर आने लगेगा, ऊपर आने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इससे गैप कम हो जाएगा. ठीक है, फिर से क्योंकि प्रेशर कम हो गया ना यहाँ पर, तो ये पुश करेगा, एयर इसको पुश करेगी ऊपर, बाहर के प्रेशर ये ऊपर आने लग आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से. तो इससे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न है करने का, बिकॉज ले भी रखा है, बैक सेक्शन ऑफ वाटर को रिमूव कर देगा ना. अगर ऐसा नहीं करेंगे, देखो वाटर से कॉन्टैक्ट हट गया, अगर हम डिप कर देते इसमें तो काफ़ी पानी ऊपर आ जाता और वो उस कंटेनर में चल जाता जहाँ पर प्रिपेयर हो जाए, H2SO4 के साथ कंबाइन हो जाता और फिर उसके बाद क्या हो सकता था, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकती थी. ठीक है, तो ऐसे करने से क्या कि ये थोड़ा सा वाटर भी ऊपर जाएगा, फिर इसे कॉन्टैक्ट हट जाएगा. ठीक है, तो ये तो और इसे लार्ज सरफेस एरिया भी मिल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl. ठीक है, ये दे भी रखा है, ये क्यों यूज़ करता है, मैंने अभी एक्सप्लेन. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सफिशिएंट सॉल्युबल, मैंने पूरा बता दिया आपको, ये बैक सेक्शन को रोकने के लिए, बैक सेक्शन ठीक है के लिए, ताकि क्या हो, वाटर ऊपर ना चढ़ जाए उसमें. वाटर चढ़ गया तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो सकता है. ओके, इसके बाद यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर एक चीज़ बताई इसके बारे में, क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में. ठीक है, तो ये वाला पार्ट देख लेते हैं. ठीक है, अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड ऑफ डिस्टिलेशन टिल द कंसंट्रेटेड ऑफ एसिड रीचेस 22.2% HCl बाय वेट एंड विच बॉइल्स एट 110°C. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्टिलेशन करा के हम कंसंट्रेट कर देंगे. ठीक है, उसको हीट करेंगे और क्या होगा, हीट करने पे ये कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, वाटर्स में कम होने लगेगा. और इसका कंसंट्रेशन हम कितना रखेंगे, इतना 22.2% और वाटर का कंसंट्रेशन इतना. ठीक है, बाय वेट जो कि बॉयल कितने में होता है, 110°C में. नो फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इज पॉसिबल ऑन बॉयलिंग. इससे ज़्यादा हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते बॉयल करने पे, 110 डिग्री में इतना ही है कंसंट्रेशन हम मैक्सिमम ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, और एज मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैट मिक्स विद वाटर वेपर. ठीक है, इससे ज़्यादा बॉयल करेंगे तो HCl के मॉलिक्यूल वाटर से मिक्स करेंगे. तो इसमें क्वेश्चन जो है ये है, एज़ियोट्रोप बोलते हैं इसको, अ कॉन्स्टेंट बॉयलिंग मिक्सचर ऑफ एज़ियोट्रोप इज अ सॉल्यूशन विच बॉयल विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन. ठीक है, तो ये 110 डिग्री में बॉयल होगा. ठीक है, और कंसंट्रेशन में इसकी चेंज नहीं आएगा. ठीक है, HCl फॉर्म कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एट 110 डिग्री. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको एज़ियोट्रोप बोलते हैं. क्या होता है एज़ियोट्रोप, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है जो पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसका कंटेंट चेंज नहीं होगा, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होगा. ठीक है, उसको एज़ियोट्रोप बोलेंगे. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ठीक है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बार कलरलेस है, पंजेंट चूंकि वैसे ही सिमिलर है, कोरोसिव होता है ये, है ना, ब्रिस्टर्स हो जाएगा स्किन में, है ना, और सॉल्यूबल है वाटर में, 110 डिग्री सेल्सियस में वोलेटाइल एसिड है, वेपर बनेंगे इसमें 110 डिग्री में, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, जितनी इस फ्लेम में ये बॉयल होने लगेगा। ओके नाउ इसके बाद नेचर की बच्चे सारी प्रॉपर्टीज हमें एसिड की प्रॉपर्टीज है आगे, ठीक है, एसिड की सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ब्लू मॉइट्स लिटमस को एसिड क्या कर देता है, रेड में चेंज कर देता है, ब्लू को रेड में, मिथाइलिन को ऑरेंज को पिंक में कर देता है, फिनोफिथाइलिन कलरलेस को कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। एसिड मेटल की बात हमने ऑलरेडी कर ली, इसको नहीं करेंगे। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड क्या बनाता है, तो मेटलिक क्लोराइड और वाटर बनाता है, ना सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसमें भी वही है, कुछ नया नहीं। अगर आपने एसिड भी चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आपको इतना पार्ट करने की जरूरत भी नहीं है। मेटल कार्बन के साथ एसिड सॉल्ट CO2 प्लस H2 बनाता है, फिर से सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप स्किप कर दोगे, मतलब पढ़ोगे इसको बिकॉज, लेकिन क्योंकि ये रिपीटेशन है इसका, तो इसलिए हम इसको स्किप करेंगे। फिर से मेटल सल्फाइड के साथ क्या बनाएगा एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और मेटलिक सल्फाइड के साथ ये आई थिंक ये भी था वहाँ पर एसिड चैप्टर में, HCl बनाएगा, H2S गैस, रोटर नेक की स्पैन होती है इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ओके अब देखो ये अलग पार्ट रह गया इसमें, ठीक है। अब तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद थायोसल्फेट टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड येलो सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट के साथ ये फॉर्मूला है, सोडियम थायोसल्फेट का Na2S2O3 एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसमें येलो सल्फर भी फॉर्म हो जाए, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं थायोसल्फेट और सल्फाइट में डिस्टिंग्विश करने के लिए। थायोसल्फेट तो सल्फर प्रेसिपिटेट बन रहा है, सल्फाइट में प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा जब HCl के साथ ट्रीट करेंगे। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन आ जाए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो लेड नाइट्रेट जब HCl के साथ रिएक्ट होगा, डबल डिसमिस रिएक्शन होनी है, PB के साथ क्या जाएगा Cl, PbCl2 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और H के साथ जाएगा नाइट्रिक NO3 नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट में भी, मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ठीक है। तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट जब क्या होगा, मर्क्यूरिक नाइट्रेट जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, HgCl, Hg2Cl2, ठीक है, एंड HNO3, ठीक है, डबल डिस्प्लेस रिएक्शन है, और ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इन दोनों के, ओके नाउ इसके बाद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन भी HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। तो ये वाइट PPT बन जाता है, वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। इसके बाद वाइट PPT ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड हियर, तो डबल डिस्प्लेस रिएक्शन है, लेकिन ध्यान रखना द वाइट प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड बट सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो वाइट PPT है इसमें तो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लेंगे AgCl, उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, उसमें ये कॉम्प्लेक्स सॉल्व बना देगा AgNH3 होल ट्वाइस Cl नेगेटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्व बन जाएगा, उसमें सॉल्युबल हो जाएगा जो AgCl है, ओके। और इसके बाद व्हेन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एडेड टू द क्लियर सॉल्यूशन ऑफ डायमंड सिल्वर क्लोराइड, डायमंड सिल्वर क्लोराइड में जब HCl ऐड करेंगे तो वाइट PPT फिर से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, फिर से वाइट PPT फॉर्म हो जाएगा। तो एक बार फिर से जब हमने HCl के साथ रिएक्ट किया लेड सिल्वर नाइट्रेट को, तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट PPT बना, ये नाइट इसमें तो PPT है तो सॉल्यूबल नहीं है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूबल है, ठीक है, तो इसमें ये फॉर्म हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स ये डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डायमंड सिल्वर क्लोराइड बना देगा, जो अगर एच नाइट्रिक फिर से रिएक्ट कराएंगे तो फिर से ये PPT बना देगा। सिल्वर क्लोराइड को अगर क्या करेंगे, ठीक है, अगर लाइट में एक्सपोज करते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो मेटल जो ब्लैक कलर का पाउडर बन जाएगा ना, ब्लैक कंस हो जाएगा ये सिल्वर का, तो क्या है सिल्वर क्लोराइड तो व्हाइट कलर का था, ये ब्लैक कलर का होने लग जाएगा, ब्लैक पाउडर बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, AgNO3 इज यूज एज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑल्सो फॉर क्लोराइड आयन। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का जो टेस्ट था है ना, सिल्वर नाइट्रेट SL के साथ वाइट पीपीटी बनाई, ये टेस्ट यूज़ करते हैं हम इसके फॉर टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर क्लोराइड आयन के टेस्ट के लिए। ठीक है, सिलेबस में ये पार्ट लेकिन पूछा गया था, वो पहले नहीं था। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखो, ये देखो, मैंगनीज ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, Pb3O4, ठीक है, एंड KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये सारे क्या है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, तो जब HCl इनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो ऑक्सीडाइज कर देगा HCl को। देखो, वाटर में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, वाटर और Cl2 बन रहा है। तो जब भी MnO2, याद रखना, जब भी ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, कंसेंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, तो सबसे पहले वाटर फॉर्म होगा, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, रिमूवल हो जा रहा है Cl में से हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो H2O और Cl2 तो प्रोडक्ट बन गई, हमें पक्का हो गया। ठीक है, और इसका सॉल्ट बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा MnO2 में रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन होता है, तो MnCl2, लेड ऑक्साइड का PbCl2, Pb3O4 का PbCl2, KMnO4 का ध्यान रखना MnCl2 प्लस KCl बनेगा यहाँ पर, और ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 बन जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ देखो, एक्वारीजिया क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ कंसेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, इसे एक्वारीजिया बोलते हैं। देखो, HCl HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NoCl, ऐसे याद रखना, NoCl, दिस इज है तो क्या, नाइट्रोसल क्लोराइड NOCl है, लिहाज कैसे रखोगे, NoCl, ऐसे याद रखना। ठीक है, H2O बनाएगा और नेसेंट क्लोरीन बनाएगा, नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, जो क्लोरीन गैस, जिन बेसिकली क्लोरीन गैस नहीं बनेगी, क्लोराइन का ये जो आयन है, एटम है, जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, किसी भी एटम के साथ, जैसे कि हम गोल्ड डालेंगे इसमें, तो गोल्ड के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा ये जिस। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, पहले मैं इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा। तो जो Cl बना है यहाँ पर, Cl जो बना, ये अगर गोल्ड हम डालते हैं उस सॉल्यूशन में, किसमें, एक्वारीजिया में, तो AuCl3 बना देगा, गोल्ड क्लोराइड। प्लेटिनम डालते हैं तो उसके साथ भी PtCl4 बना देगा, मतलब गोल्ड और प्लेटिनम इसमें डिजोल्व हो जाएंगे, किसमें, एक्वारीजिया में, और एसिड में नहीं होते गोल्ड और प्लेटिनम डिजोल्व, इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो कई बार जो स्कैमर्स होते हैं, पहले वैसे होता होगा, ठीक है, अभी भी शायद हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, चमकाने से बहाने से आते थे कि हम आपकी ज्वेलरी को शाइनिंग ला देंगे इसमें, तो क्या अगर एक्वारीजिया में डालते हैं तो ऊपर से कितना पार्ट, कुछ पार्ट जो गोल्ड का वो इसमें डिजोल्व हो जाता था। ठीक है, शाइन तो आ जाता, लेकिन वो क्या करते उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बाद में। तो यूजेस देख लेते हैं आप HCl के। ठीक है, एक्वारीजिया के प्रिपरेशन में किसमें यूजेस में देखे तो क्लोराइड, क्लोरीन और क्लोराइड के मैन्युफैक्चर में अमोनियम क्लोराइड जो ड्राई सेल में यूज़ होती है, ये यूज़ आ गया इसका, याद करने वाले पार्ट है ये, डाइज में, ड्रग्स में, पेंट में, फोटोग्राफी केमिकल्स में, ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च की प्रिपरेशन में ना। ठीक है, तो ओके, इसके पिकल इंडस्ट्री में यूज होगा। ठीक है, पिकल स्टील और स्टील बिफोर बीइंग प्लेस विद टिन और क्लोरीन हैज़ टू बी प्यूरिफाइड बाय पिकलिंग इन HCl, तो ये वो पिकल नहीं है। ठीक है, पिकल स्टील है, क्लीन करने के लिए उसको। ठीक है, तो HCl इसमें भी यूज होगा। बोन ब्लैक को प्यूरीफाई करने के लिए, तो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन बोन्स को, तो बोन्स को क्या कर देता है, प्यूरीफाई कर देता है। ठीक है, डस्ट फ्रॉम रस्ट फ्रॉम आयरन सीड्स को रिमूव करने के लिए, आयरन डस्ट को रिमूव करने के लिए यूज होगा। मेटल सर्फेस को क्लीन करने के लिए ऑयल पर ना क्या करते हैं, HCl डालते हैं, ताकि क्या हो जाए, पेंटिंग ऑयल करने से पहले उनको HCl पोर करते हैं उसमें। टैनिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, ग्लू फॉर बोन, ये सारे यूजेज हैं, तो आपको यूज़ आने चाहिए। मेडिसिन में देखो, मेडिसिन में हमें पता है गैस्ट्रिक जूसेस की डिक्सिस एक्टिविटी हो जाती है, तो HCl, हमें पता है HCl का यूज़ हमें क्या, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और ये सारी इसका यूज है ना। ओके, नाउ टेस्ट फॉर टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, HCl गैस प्रोसेसेस अ
कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसका स्मेल होती है इरिटेटिंग स्मेल होती है। एसिल गैव गिव थिक वाइट फ्यूम फॉर अमोनियम क्लोराइड व्हेन गैस स्टॉप, ये मैंने हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। थिक वाइट फ्यूम देगा, ये टेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखा था हमने वाइट पीपीटी देगा सिल्वर क्लोराइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट को जब एसिल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी देगा जो इनसॉल्यूबल है नाइट्रिक एसिड में, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाता है। और लास्ट है ग्रीनिश येलोइश गैस क्लोरीन इज लिबरेटेड व्हेन कंसिडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हीटेड विद ऑक्सीडेशन लाइक मैंगनीज, ये हमने देखा था। तो क्लोरीन गैस जो ग्रीनिश येलो कलर की होती है वो लिबरेट होती है जब हम मैंगनीज ऑक्साइड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना उसका एसिल रिएक्ट करेंगे तो MnCl2 जो सॉल्ट बन रहा है H2 और Cl2। क्लोरीन का कलर क्या है, ग्रीनिश येलोइश गैस लिबरेट होगी, ठीक है। और ये क्या कर देगी गैस, मॉइस्टार आयोडाइड को ब्लू ब्लैक, पेपर को ब्लू ब्लैक कर देगी, तो इससे एसिल कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको ये चैप्टर ठीक से समझा पाया हूँ, इंपॉर्टेंट बात मैं बता पाया हूँ, ठीक है। कोई भी आपका क्वेश्चन रहता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये चैप्टर, आपको ये टीचिंग कैसे लगी मेरी, और जो भी आपका फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। शेयर करना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सकती है। सब्सक्राइब करना चैनल को, और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।